गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग निसान मैग्नाइट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि निसान मैग्नाइट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इंजन को लेके और तो और क्वालिटीज़ को लेके। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या निसान मैग्नाइट हमें लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या बेस्ट समय है उसको लेने का। जल्दी से जल्दी मैं आपको इस वीडियो में सारे डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में अपन इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल क्लियरली इसके इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे, इनके रेटिंग्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे, कंक्लूड करेंगे कि निसान मैग्नाइट फाइनली एक अच्छा प्रोडक्ट है अपनी प्राइस रेंज में या फिर नहीं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट नो अबाउट द ऑल डिटेल्स ऑफ निसान मैग्नाइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या है यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। तो और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस डेफिनेटली निसान मैग्नाइट में तो इश्यूज तो हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। अब इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए निसान मैग्नाइट बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर नहीं। बात करें क्वालिटी इसकी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखे जा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि पीछे का बम्पर या फिर आगे का बम्पर हाथ लबाने से ही दब जाता है अंदर की तरफ, तो वो क्लियरली पता पड़ रहा है कि डेफिनेटली क्वालिटी के मामले में तो मैग्नाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे है अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में। जो क्वालिटी यूज़ करी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर जो डिज़ाइन है ऑल दो उसके लिए तो मैग्नाइट को 100% मार्क्स मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पे डैशबोर्ड में भी अगेन सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करा है, डोर्स की बात करें तो वहाँ पे आराम से इजीली जोर से दबाने पर वो प्लास्टिक दब जाता है। इवन इसको कंपेयर करेंगे और इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि टाटा से, एल्ट्रोस से या फिर किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो से, तो उनका प्लास्टिक थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है और क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के मामले में ज़्यादा बेहतर लगता है मैग्नाइट के कंपेरिजन में। नेक्स्टली ऑल दो यहाँ पे आपको फीचर तो सारे ही देखने को मिलेंगे फ्रॉम द एक्सेल वेरिएंट डेफिनेटली, तो अगेन इंटीरियर के फीचर के मामले में तो इसको 100% मार्क्स मिलते हैं, पर फिट एंड फिनिश के मामले में, क्वालिटी के मामले में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है। छत की भी बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने फिनिश दी है उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बल्जी है, यानी कि वो भी थोड़ा सा ढीला ढीला सा महसूस होता है। नेक्स्टली यहाँ पे सीट का कम्फर्ट और रियर स्पेस अच्छा है, पर डोर हैंडल्स में डेफिनेटली दबाने से दबता है, जो कि लगता है कि यार थोड़ा सा चीप प्लास्टिक यूज़ करा है। ऑल दो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर हो सकता है कि कुछ मैकेनिज्म में भी कई बार किसी मॉडल में दिक्कत आ जाती है, तो क्वालिटी कम करने से यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी ही होगी आपको। इवन ऐसा लगता नहीं है अगर आप क्वालिटी को छोड़ दो, यानी कि अब उसको प्लास्टिक को दबा के नहीं देखो तो ऑल दो ये सभी गाड़ियों जैसा ही लगता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सेफ्टी इशू के कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर उसका आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर दबाने से दब रहा है, उसके प्लास्टिक जो है इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं, तो क्या निसान मैग्नाइट सेफ कार है या फिर नहीं। तो मैं बता देता हूँ डेफिनेटली कि यार निसान मैग्नाइट फीचर्स के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, पर सेफ्टी के मामले में उतनी ही नीचे हैं, क्योंकि यार ये इश्यूज़ तो मारुति की अल्टो 800 में आते हैं, जिस तरीके के इशू आपको मैग्नाइट में देखने को मिल रहे हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी से, उसकी मेटल की क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म पर बनी है वो है CMF A+ प्लेटफॉर्म, जो वही प्लेटफॉर्म है जो कि डैटसन रेडी गो का है बेसिकली, वो CMF A था, ये CMF A+ है, थोड़ा सा अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है, पर जो डैटसन रेडी गो है, रेनॉल्ट क्विड है, हम जानते हैं कि वो जो दोनों कार हैं वो अंडरस्कोर है अकॉर्डिंग टू द NCAP, उनको सेफ्टी रेटिंग में केवल और केवल 1 स्टार रेटिंग ही मिली थी, वो भी केवल उसकी वजह से कि उसमें एयरबैग इंस्टॉल कर दिया गया था, उसके पहले उन दोनों ही कार्स को 0 स्टार रेटिंग मिले थी। तो अभी फिलहाल निसान मैग्नाइट की NCAP रेटिंग नहीं आई है, क्योंकि बस दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, और जो कि मैं थोड़ा सा एनालिस्ट हूँ सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी कंसर्न्स को लेके, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि NCAP में अगर रियली निसान मैग्नाइट की सेफ्टी रेटिंग रिवील्स होंगी भी सही तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टार होने वाली है, 3 स्टार भी जा सकती है, पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टार सेफ्टी NCAP रेटिंग लग रही है।
तो उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको कम बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, पर सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से तो मैं आपको ये निसान मैग्नाइट डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रिबर का हाल है उसी तरीके से निसान मैग्नाइट का हाल है। और डेफिनेटली अगर आपको निसान कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं चाहिए, आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए 3-4 स्टार सेफ्टी रेटिंग की, तो डेफिनेटली आपको निसान मैग्नाइट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ अगर आपको निसान मैग्नाइट लेनी भी है तो आपको कौन कौन से वेरिएंट परचेस करना चाहिए। वेल आपको अगर एक रॉ गाड़ी चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी 5 लाख का ही बजट है, सो डेफिनेटली आप निसान मैग्नाइट आराम से ले सकते हो, पर सेफ्टी के मामले में मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। एक्सेल वेरिएंट आप ले सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि उस वेरिएंट में आपको जो है एक हैचबैक आना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्राइजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है, पर मैग्नाइट थोड़ी सी प्राइजिंग और बढ़ा के भी थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ा सकता था, मेन पॉइंट ये है। एक्सी वेरिएंट आप ले सकते हो, रॉ का रो वेरिएंट, या अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड करवा सकते हो, उसके दरवाजे भारी करके आप डैम्पिंग करा सकते हो। नेक्स्टली आप एक्सएल वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम आएगा, सारे डिसेंट फीचर आएंगे, आप लाओ तो टच स्क्रीन लगवा लो, डैम्पिंग करवा लो, तो वो भी एक अच्छा वेरिएंट है। एक्सवी वेरिएंट में आप सोच सकते हो कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, ऑल्दो एक्सवी में आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, पर मेरे ख्याल से आप इसकी जगह टाटा एल्ट्रोस पर भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाटा एल्ट्रोस का 3रा वेरिएंट देखने को मिल जाएगा आराम से, यानी कि आपको XT वेरिएंट आराम से देखने को मिल जाएगा। तो उस XT वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी भी प्रोवाइड होती है, जो कि निसान मैग्नाइट में नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो मैं आपको XC और XL वेरिएंट ही रिकमेंडेड करूँगा सेफ्टी को देखते हुए, वरना मेरे ख्याल से तो निसान मैग्नाइट में सबसे अच्छा वेरिएंट और फीचर लोडेड वेरिएंट XV ही है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बोला है और डिटेल में बताया है। इंजन की बात करें, दूसरी बात की क्या निसान मैग्नाइट का इंजन अंडर पावर है, तो ऑल वी नो दैट कि यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड टेक्नोलॉजी का, जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP एट 96 Nm ऑफ टॉर्क। ऑल दो अगर एक टर्बो पे भी नज़र मारे तो 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है, जो कि 99 BHP और 160 Nm ऑफ टॉर्क है। टर्बो में आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑल दो एक 3 सिलेंडर इंजन है, इतना भी ज़्यादा इशू नहीं है, पर 1.0 लीटर है इसको ध्यान में रखिए। ऑल दो हुंडई वेन्यू में भी हमें 3 सिलेंडर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है 1.0 लीटर वाला, तो टर्बो ठीक है आप चला सकते हो काम, पर जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है वो दम नहीं देने वाला। जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है हुंडई के कंपैरिजन में, हम सबको पता है कि हुंडई के इंजन की स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेटर रहती है किसी भी और के कंपैरिजन में। सो डेफिनेटली नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको NVH लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे, तो आपको इंजन नॉइस से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा अगर आप निसान मैग्नाइट लेते हो, ऑल दो वेदर इट्स टर्बो वेरियंट और वेदर इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट, टर्बो तो मैं आपको अवॉइड ही करूँगा, इससे अच्छा आप टाटा एल्ट्रोस के टॉप एंड पे चले जाओ, हुंडई i20 पे भी जा सकते हो अगर आपको पावर से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हो तो। ऑल दो टर्बो में भी ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एक्सेप्टेड दैट, पर अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी और सेफ्टी से तो अगेन इशू बना ही रहेगा, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप निसान मैग्नाइट को ले रहे हो तो। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली इंजन के मामले में और पावर NVH लेवल्स के मामले में, इंजन नॉइस के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड चली जाती है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्वालिटी इशू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हाँ जो फीचर्स हैं आपको उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिसेंट प्राइसिंग में आपको एक काफ़ी अच्छा और शानदार प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर आप सेफ्टी इशूज़ से देन उसके बाद इंजन से NVH लेवल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, निसान मैग्नाइट ले सकते हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम कौन सा है। अगर आपको निसान मैग्नाइट लेना ही है तो आप आंख बंद करके आज ही बुकिंग करवा दो, क्योंकि जनवरी से निसान अपनी सारी कार्स की प्राइसिंग बढ़ा रहा है, और जो लोग रेडी गो ले रहे हैं, गो लेने वाले हैं या फिर किक लेने वाले हैं निसान की, उन सब की प्राइसिंग बढ़ने वाली है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किसकी कितनी प्राइसिंग बढ़ेगी जनवरी 2021 से। वेल अगर आप डैटसन रेडी गो लेते हैं, जो कि डैटसन का प्रोडक्ट है पर निसान के अंडर ही आता है, तो उसकी प्राइसिंग करीब करीब 15,000 बढ़ने वाली है। ऑल्दो अगर आप डिसान गो या फिर गो प्लस लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग करीब करीब 25,000 बढ़ जाएगी आराम से। और अगर आप बात करें निसान के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, निसान का मैग्नेट की सबसे पहले बात करते हैं। ऑल्दो अगर आप निसान मैग्नेट परचेस करते हैं तो कितनी प्राइसिंग बढ़ती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ करेक्टली।
अगर आप निसान मैग्नाइट लेंगे फ्रॉम द जनवरी 2021 तो उसकी प्राइसिंग करीब करीब 50,000 अप होने वाली है। वो मेरे लिए प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट शानदार है अपनी प्राइसिंग के हिसाब से। अगर सेफ्टी इशूज़ को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से आप अभी के अभी ही उसको बुकिंग करा दो अगर आप निसान मैग्नाइट लेना चाहते हो, वरना आपको 50,000 उसी चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं है इतनी जल्दी प्रोडक्ट के लिए। ऑल्दो अगर आप निसान किक खरीदने की सोच रहे हो तो फ्रॉम जनवरी 2021 उसकी प्राइसिंग 65,000 बढ़ जाएगी। तो यही है प्राइसिंग हाइप की या फिर प्राइसिंग हाई की, जो कि जनवरी 2021 से हर एक गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप निसान मैग्नाइट लेने वाले हो तो आज ही बुक कर दो, वरना जो एक्सशोरूम 4.99 लेके वो जो है अब बढ़ के जो हो जाएगा 5.45 लैक्स हो जाएगा। इतनी प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आप डेफिनेटली निसान मैग्नाइट लेने की सोच रहे हो तो आप फटाफट से निसान मैग्नाइट को बुक कर दो, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा NVH लेवल से, इंजन नॉइज से, बाकी फीचर्स तो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। सो गाइज यही था फाइनली मेरे ख्याल से। अब मेरी राय पूछो कि आपको लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, मेरे ख्याल से मत लो यार, इतना टाटा टियागो पे चले जाओ। सेफ्टी कंसर्न सबसे ज़्यादा हाई होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी लाइफ होती है, बाद में गाड़ी होती है। सो गाइज आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी निसान मैग्नाइट की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड गाइज फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। निसान मैग्नाइट की सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज बाय बाय।